सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल, यानी एक षड्यंत्र में शामिल है। ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, किसी भी की भी जब गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी पड़ती है। पुलिस को ये हक नहीं है कि गिरफ्तार कर ले और कायम रखे कई दिन तक। जुडिशियल कस्टडी यानी मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में लोग हैं, अगर गिरफ्तार भी हुए तो जिसको बोलते दिन रात जगा के रखना, मारपीट करना, बेइज्जती करना, ये सब जो है मैजिस्ट्रेट की नहीं होता। 2000 के आसपास लोग मरे, ज्यादातर मुसलमान। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एहसान जाफरी, वहां हिंसा चली 6 घंटे तक, ये नहीं कि 15 मिनट में कुछ हो गया। मंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने फोन किया था एहसान जाफरी कि मदद करो, भीड़ जमा है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया है, बचाओ। लोगों को काट के मारा गया, फिर आग लगाई गई तो उसमें 35 लाशें मिल गई, 31 लोगों की कोई लाश मिली नहीं। तो अगर पूरी पुलिस की छावनी है वहां, तो उसके बगल में कैसे हुआ कि कोई मॉब आया और लोगों को मार के चला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार को आदेश दिया कि ये FIR दर्ज करो बेस्ट बेकरी केस में, नरोदा पाटिया केस में, गुलबर्गा सोसाइटी केस में और तहकीकात में। नहीं, क्लीन चिट तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पेश कर दिया था, मगर वो 2012 में किया था, मगर उस SIT के जिसके आधार पे क्लीन चिट मोदी जी को मिला, उसने सारे सबूत दर्ज किए कि नहीं, सारी चीज़ों के सबके बयान लिए कि नहीं, इस पे सवालिया निशान थे। तो एहसान जाफरी की बीवा ज़किया जाफरी, तीस्ता सेतलवाद, बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लेके गए थे कि आप दोबारा से सबूत देखें। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि नहीं, सबूत देखने लायक नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे एक कदम आगे जाके इस बेंच ने ये कहा कि नहीं, जो लोग 2002 के इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या ये चाह रहा है कि मामला ठंडा हो जाए, सबको न्याय मिलने से पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लोग इस मामले को गर्म रखना चाहते हैं उनको तो खुद कटघरे में होना चाहिए, और खास तौर पे तीस्ता सेतलवाद, श्री कुमार जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, और एक और IPS ऑफिसर संजीव भट्ट जो अभी जेल में है ही, तो ऐसे लोग यानी जो लोगों ने सबूत खास तौर पे मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो सबूत जिन्होंने पेश किए या पेश करने की कोशिश की, उनको आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो कह सकता है कि ये सबूत ठीक नहीं, मगर ये कहना कि आप हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, इनको तो जेल में होना चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं तानाशाही, कहीं उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, इसको लेके बहुत चिंता की बात है। और तीस्ता सेतलवाद को जो पुलिस कस्टडी में रखा है, आज की ये मीटिंग इसी मांग के लिए है कि उनको रिहा किया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है कि गुजरात मॉडल क्या था, जिसकी बात हुई कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गुजरात मॉडल देश भर में चलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो आर्थिक तरक्की का मॉडल था, मगर बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा मॉडल था कि मुख्यमंत्री और वहाँ के होम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के सामने पुलिस या जुडिशरी कमजोर दिखती थी। तो देश में भी अगर वैसा होगा कि एक कोई पलड़ा कमजोर हो जाए, क्योंकि हमारे देश में संसद भी है, कोर्ट भी है, कोर्ट की व्यवस्था भी है, और साथ में चुने हुए लोगों के साथ में लेजिस्लेटिव भी, ये तीनों को हमारे संविधान में बराबरी का हिस्सा दिया गया है। अब एक अगर दूसरे पे हावी हो जाए या एक
दो पे हावी हो जाए तो ये हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है। आज ऐसा होता हुआ लग रहा है और ये चिंता की बात। मतलब नुपुर शर्मा को के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो सरकार की तरफ से नहीं हुई, वो बीजेपी पार्टी की तरफ से हुई कि उनको स्पोक्स पर्सन के तौर पे सस्पेंड किया गया। मगर हमारे देश का जो कानून है उसमें 153, 295 ये सब कानून भी हैं जो बोलते हैं अगर कोई ख़ास तौर पे ऐसी बात करे जो मज़हब अलग अलग मज़हब के लोगों के बीच में एनमिटी पैदा करे, यानी कहीं ना कहीं उनमें नफरत या उनमें भेदभाव पैदा करे, तो वो हमारे देश का कानून तोड़ रहा है। तो नुपुर शर्मा की बात से साफ तौर पे जाहिर है कि वो इस कानून के दायरे में आती है, तो उनके खिलाफ कायदे से ये केस दर्ज होने चाहिए थे और सरकार को वो काम करना चाहिए था। तो सिर्फ बीजेपी ने सस्पेंड किया, ये तो एक्शन हुआ नहीं, सरकार क्या कर रही है। तो ये बात कि अब नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ लोग सड़क पे उतरे तो यूपी में बुलडोजर चल रहे। जेएनयू की एक स्टूडेंट है, उनके घर पे बुलडोजर पूरा उनका गिरा दिया गया, उनकी माँ के नाम पे पूरा घर था। तो एक तरफ इस तरह के बुलडोजर चल रहे हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत आराम से बातें सुन रहा है जितनी जल्दी सुननी चाहिए या जिन चीज़ों को रोकना चाहिए कि भाई बुलडोजर ना चले, क्योंकि ऐसे भी तो कानून के ऐसी चीज़ें भी तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो थोड़ी चिंता सबको हो रही है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री बाकी दोनों चीज़ों पे जो हमारे संविधान में है, एक तरफ कोर्ट और एक तरफ एक तरफ एग्जीक्यूटिव, उस पर कहीं भारी तो नहीं पड़ रहे। नहीं, जो बात तीस्ता शीतलवाद ने की शुरू से ही और जो बात जितने भी आज तक बड़े दंगे हुए उस पर काम करने वाले लोगों ने की है कि अगर सरकार चाहे तो दंगा रोक सकती है, अगर पुलिस को सही जगह सही वक्त पे भेजा जाए सही इंस्ट्रक्शन से तो दंगा रुक सकता है। और अगर दंगा बहुत लंबा चल रहा है, कई कई दिन तक चला जा रहा है जैसा गुजरात 2002 में हुआ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चूक रहा है अपनी ड्यूटी में, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना तो ड्यूटी है ना। तो उस ड्यूटी में अगर कोई चूक रहा है तो वो चूक कहाँ से हुई? क्या पुलिस ने की वो चूक, क्या सरकार में बैठे हुए मंत्रियों ने, होम मिनिस्टर ने चूक की या चीफ मिनिस्टर ने चूक की, जो ऐसा क्या कोई इंस्ट्रक्शन था? तो इसी को लेके जो कुछ कुछ लोग, जो एहसान जाफरी का केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें चश्मदीद गवाह ऐसे हैं जिनका ये मानना है, जिनका ये कहना है, जिन्होंने बयान दिया है जगह जगह कि हमने सुना है कि ठीक इस वक्त एहसान जाफरी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था, उसके बाद भी इतने घंटों तक कोई मदद को नहीं आया और फिर लोग मरे, जल के मरे। तो अगर ये बात हो रही है कि मुख्यमंत्री को एक MP फ़ोन कर रहा है, मुख्यमंत्री को कितना वक्त लगेगा पुलिस भेजने, तो ये इस तरह के जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं तीस्ता शीतलवाद ने धीरे धीरे मेहनत से जमा किए और ये साबित करने के लिए कि कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में दंगा नहीं हुआ, इसमें उस वक्त की सरकार शामिल थी। बात ये है कि ये तीस्ता शीतलवाद बोल रही है और वो ये सबूत तो कहीं कानून अपने हाथ में लेकर कहीं कुछ और कर रही है, ऐसा तो नहीं कर रही, वो कहाँ जा रही है? वो तो कानून की व्यवस्था के हिसाब से ही कोर्ट में जा रही है, तो कोर्ट को इतना चिढ़ने की जरूरत कहाँ है कि वो बोले कि तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो? अरे कोई कानून अपने हाथ में ले तो उसको आप फटकार लगाइए कि पकड़ो इसको जेल में डालो, मगर जो कानून व्यवस्था के हिसाब से कोर्ट के सामने गुहार ला रहा है तो उसी को आप बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास क्यों आ रहे हो, जेल में जाओ। मैं यही बोल रही हूँ कि ये सवाल लोगों में उठ रहे हैं, लोगों के मन में उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था अगर कमजोर पड़ेगी, आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं कानून व्यवस्था पे अगर लोग भरोसा नहीं रहेगा तो ये हमारे देश के लिए अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे। लोग कब कानून अपने हाथ में नहीं लेते, चाहे वो खाप पंचायत हो, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, चाहे कोई भी बात हो, जब उनको
कानून व्यवस्था पे कोई भरोसा है कि भाई हमारे साथ कोई ज्यादती होगी, हम पुलिस का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो हमको इंसाफ मिले। यानी कोर्ट को भी इस बात पे सचेत रहना चाहिए कि वो इंसाफ देते हुए दिख रहे हैं कि नहीं। तो ये चिंता तो बहुत लोग जाहिर कर रहे हैं कि क्या हमारे देश के संविधान में जो 3 पिलर है हमारी सरकार के, चुने हुए नुमाइंदे यानी संसद और लेजिस्लेटिव, कोर्ट, पूरी व्यवस्था कोर्ट की, और उसके साथ एग्जीक्यूटिव जो तमाम पॉलिसी को लागू करता है, तीनों का जो दर्जा है, कहीं उस पे सरकार यानी चुने हुए नुमाइंदे हावी तो नहीं हो रहे। अगर हावी होंगे तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को खुद चिंता होनी चाहिए। तो ये सीरियस मामला है, अगर इसको सुधारा नहीं गया तो ये देश के लिए बहुत ही चिंता का मामला है।